ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये निकलने का रास्ता जो है एक घर से, हाँ एक घर से दूसरे घर पे निकलने का रास्ता आप देख पा रहे हैं। और ये सब होने के बावजूद जो दिल्ली सरकार है वो लगातार ये कहती है कि हमें तो विरासत में ड्रेनेज सिस्टम मिला है, लेकिन बात यह है कि इससे पहले कई सालों से ऐसी स्थिति दिल्ली में देखने को नहीं मिली है। आपका क्या नाम है माता जी? सरोज। आ रही हैं अभी? इधर आ जाइए माता जी, इधर आ जाइए। हाँ जी सरोज जी। हाँ जी, हमारे पानी यहाँ तागड़ी तागड़ी भरा है और बहुत गंदा पानी, जूते चप्पल कूड़ा करकट सब भी बेकार है। मैं तो बीमार हो रोगी, कोविड होने के खतरा था मेरे को, तो बचा लिया डॉक्टर ने। अरे छोटा सा हमारे पास बच्चा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है। हाँ, तो आप लोग कैसे, आपकी उम्र कितनी बताइए? 65 साल है। 65 साल, तो कैसे निकल पाती है यहाँ से? पानी में से निकलते हैं। अच्छा जी, और क्या? तो जैसे अब दवाई दुवी लेने जानी होती है या और कोई समस्या होती है? पानी में से निकल कर गए हैं। जी जी जी, और क्या, बुखार चढ़े में गए हैं पानी में से निकल कर के। तो यहाँ पर जो प्रधान वगैरह होते हैं या फिर काउंसलर होते हैं वो कभी देखते नहीं आगे? ना, कभी कोई भी नहीं आता यहाँ पर, कोई मरो कोई जीवो, सरकार ने कोई मतलब नहीं है। ये कितना गंद भरा है यहाँ का, देखा तो सही सरकार। और एक बार झांकने तक नहीं आए हैं कि आखिर इस गली में क्या हो रही है। जी जी, लोग अपने आप से विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस पानी की निकासी की तैयारी कर रहे हैं। करीब करीब अभी डिमांड किया गया है 30,000 रुपए सिर्फ पानी निकालने का डिमांड किया जा रहा है। वो पैसा लोग कैसे दिए? वो प्राइवेट सेक्टर वाले, प्राइवेट सेक्टर वाले सिर्फ इस गली का 30 और पड़ोसी गली को मिला करके टोटल 60,000 रुपए। अब आप कहा जाता है कि जो है अगर समझ लिए पानी निकलवाना है, कोई समस्या है, आप अपने काउंसलर के पास जाते हैं, उससे लिखवाते हैं, तो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है वो। हाँ हाँ, देख लिया जाएगा, मैं आऊंगा आपके क्षेत्र में, भ्रमण कर लूंगा, फिर इस पे चर्चा होगी और मैं जल्द से जल्द समाधान करूंगा। ऐसा तो कई बार हुआ है कि पुरुष लोग वहाँ तक पहुँचे हैं, स्थिति नाजुक हो गई कि चलो अब महिलाएं भी वहाँ तक चले तो लोग समझ पाए महिलाओं का दर्द भी, लेकिन महिलाएं भी प्रोटेस्ट में शामिल। आप देख पा रहे होंगे ये माता जी हैं जिनकी उम्र 65 साल है और किस तरह से पानी में डूब कर जा रही हैं। और आगे 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 अगर कोशिश की जाए जाने की और दिखाने की, जी दिखा पा रहा हूँ, आप जहाँ तक संभव हो आप आगे। जी जी जी, ये देखिए ये हाल जो है, नहीं नहीं वहाँ इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से दिखा देंगे। नहीं नहीं ज्यादा मत जाइए आप, बेहतर है कि उतना ना रिस्क लिया जाए जितना जरूरी नहीं है। देखिए बेसिकली अगर आप कंडीशन दिखा पाए, यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी है। और ये देखिए घर के बाहर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई देखिए यहाँ पर सांप और बिच्छू और तमाम तरह की चीजें। आप विजुअल को थोड़ा घुमा के दिखाइए कि किस तरह से लोग इस गंदे पानी में जीने को मजबूर हैं। और सवाल ये है कि जब आप किसी नई सरकार को चुनते हैं तो फिर आपके दिल में ये उम्मीद जागती है कि शायद अब जनजीवन पहले से बेहतर होगा, लेकिन अभी यहाँ देखिए कि यहाँ पर हालात इतने बुरे हैं कि शायद कभी दिल्ली में देखने को ऐसा नहीं मिला है। 10 दिन पीने का पानी नहीं आया। जी आप यहीं पर रहती हैं? हाँ, ये देखो हमारा घर कैसा डूबा पड़ा है। जी जी, और सांप भी छूर, एक आदमी ने तो परली गली में सांप ने काट लिया। जी जी, हाँ, और कितना मच्छर बीमारी तो है ही। माता जी सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे, सरकार कोई सुविधा करे हमारे लिए। जी जी जी, और क्या, कुछ मिट्टी डलवाए या पानी कटवाए, कुछ तो करे। जी जी जी, और क्या कहे सरकार को? सरकार बोलती कि बारिश ज्यादा हो गई इसलिए पानी भर गया। क्या पता हमने कैसे भर गया, तो बरसात की वजह से भरा, बाहर नाला का कहीं और से आया ये गंदा पानी। जी जी जी, क्या पता है। आप तो काफी समय से रह रही होंगी, कभी पानी देखा इतना दिल्ली में? नहीं, कभी नहीं देखा पहले। पहले कभी पानी नहीं देखा? नहीं, अभी आ रहा है तो। अच्छा जी, तो फिलहाल यही बोलेंगी कि मतलब यहाँ मिट्टी विट्टी डलवा दी जाए। हाँ, और क्या, पानी निकलवाओ, मिट्टी डलवाए। देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर टेम्परेरी बोर्ड है यहाँ से निकलने के लिए। और आप देखिए कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं। और आप अगर ये बोर्ड दिखा पाएं तो ये टेम्परेरी बोर्ड देखिए, ये जुगाड़ से बोलते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है, और ये जुगाड़ है ताकि वहाँ से वहाँ जाया जा सके। ये कहाँ से कहाँ जाने के लिए? ये अपने घर से जो जरूरी सामान है, जो डेली नीडेड की सामान है उसको लाने के लिए। अच्छा, जैसे कोई भोजन सामग्री, कोई कपड़ा या फिर कोई दवा वगैरह जो घर पे पड़ी है, सारी चीज़ें तो मंदिर में शिफ्ट नहीं की जा सकती है,
लेकिन जो चीज़ें लाई जा सके वो लाई जा रही है, और टाइम टू टाइम घर भी विजिट किया जा रहा है ताकि घर से कहीं से क्रैक ना हो, कोई सामान तहस नहस ना हो जाए, और सांप बिच्छू हमेशा निकलते रहते तो घर में उनका शरण ना हो जाए, इस चीज़ के लिए हमेशा। चलिए देखिए, अब कुछ और महिलाओं से बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इतने ज़्यादा पानी में किस तरह से रह पा रही हैं। आप देखिए, स्थिति ये है कि यहाँ पर आप ये एक पुलिया देख पा रहे होंगे जो कि लोगों ने खुद बनाई है, यहाँ पर गेट पड़े हैं, पाइप है जी, ये पानी निकालने के लिए मोटर लगा रखी है। क्या नाम है आप? बाहर आ जाइए, थोड़े से बाहर आइए। क्या नाम है आप? सीवी पांडे। सीवी पांडे जी, कब से देख रहे हैं ये हालत? ये तो महीने से ऊपर हो गया, महीने से ऊपर हो गया हालत आज, बहुत बुरी हालत है। कोई मतलब किसी तरह की ये पानी निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं जी, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं जी। हम अपना पैसा लगा के पानी निकल पा रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि पानी डालना कहाँ है, कहाँ ये पाइप लगाएं, इसके कोई हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, और हम यहाँ नरकुंड में रह रहे हैं, पूरा कॉलोनी जैन नगर जो है नरकुंड बना हुआ है। देखिए किस तरह से ये बता रहे हैं कि लगातार परेशान है घर में, मेरे बेटे की शादी भी है, मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ मैं शादी कहाँ करूँगा, कैसे करूँगा, यहाँ मेरा कौन आएगा, यहाँ मेरा तो कोई मेहमान आने से रहा जहाँ, है ना, शादी अगले महीने बेटे की 12 तारीख को। देखिए मैं एक बार कुछ महिलाओं से बात करवाता हूँ आपकी, और नहीं आप बताइए किसकी शादी है भैया? बगल में शादी है जी, ठीक है, ये मंजर हो रखा है, मतलब पहले तो सरकार के भरोसे बैठे रहे कहीं से पानी निकलेगा, पानी का कोई साधन नहीं, हम अपना पैसा लगा के ही पानी निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पानी की कहीं निकासी है ही नहीं, ये पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ, पैसा खर्च करने के बाद भी इसकी निकासी नहीं, अगर पैसा पानी नहीं निकलेगा तो फिर क्या करेंगे मतलब? फिर क्या करेंगे? उसके बाद हमने एक ऑप्शन चुना कि मलबा डाल रहे हैं हम 10,000 रुपए दे के, लेकिन आगे से तो फिर इससे पार तो नहीं कर पाएंगे ना हम लोग, तो यहीं तक कर पाएंगे, ये पानी ऐसा का ऐसा ही भर रहा रह जाएगा, चाहे 6 महीना हो, साल भर हो, इसका कोई सोल्यूशन नहीं हम लोगों के पास। देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं, आप अगर देख पा रहे हैं तो मैं इस पे कोशिश करता हूँ चलने की, जो इन्होंने यहाँ से वहाँ ले जाने तक का एक रास्ता बनाया है कि ये एक आप समझिए जुगाड़ कह सकते हैं आप इसे, और ये इसी तरह से यहाँ के लोग बोर्ड बनाकर या कोई ऐसा सिस्टम करके कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल बना पाएं, क्योंकि रास्ता नहीं है। आप और कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात कराते हैं आपकी, कुछ लोग शायद ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रहे हैं, उनसे भी बात कराने की कोशिश करेंगे।